मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हम लोग का लद्दाख में सेकेंड डे, और फर्स्ट डे का मैं वीडियो अपलोड की थी। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैं वहीं पे आइटिनरी भी डाल दी थी, क्या कौन से दिन कहाँ कहाँ जाना है, आप लोग देख लेना वहीं पे। तो आज हम लोग 3-4 जगह जाएंगे और कितना जा पाते हैं देखते हैं। तो ये देखिए बालकनी में बहुत धूप है, धूप भी बहुत है, ठंड भी बहुत है। यहाँ पे बहुत ठंड है, मतलब हम लोग उड़ीसा से आए हैं, तो उड़ीसा में बहुत गर्मी था। अभी यहाँ पे इतना ठंड है, सर्वाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। रूम हीटर है इसीलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। और देखिए धूप भी बहुत है। तो चलो चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। और मैं रेडी हो गई हूँ, अभी जाएंगे हम लोग नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे पहले से पैलेस। सो गाइस चलते हैं, बाय। और ये देखिए व्यू मेरे रूम से बाहर का व्यू। और अभी हम लोग नीचे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। पहले तो मैं चाय पी ली, बहुत ठंड था, उसके बाद ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम लोग का गाड़ी जो है वो आ गया है, हम लोग चलते हैं पहले से पैलेस। और आज है गाइस मंडे, तो मैं संडे को ही पहुंची थी और फर्स्ट का ब्लॉग अपलोड की थी। तो ये है मंडे, अभी आई थिंक स्कूल के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ से पैलेस ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और यहाँ पे गाइस लद्दाख में रोड बहुत ही क्लीन है, मतलब मैं ऐसी क्लीन कहीं पे नहीं देखी थी। रोड नीट एंड क्लीन है और यहाँ पे सब जगह कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है। थोड़ा सा ट्रैफिक भी है रास्ते में। और अगर आप लोग लद्दाख आ रहे हैं तो दूसरे दिन आप लोग से पैलेस जा सकते हैं, और हेमिस मोनास्ट्री, थिक्से मोनास्ट्री जा सकते हैं, और हॉल ऑफ फेम अगर आप लोग को टाइम मिलता है तो वो भी जा सकते हैं। हम लोग का टाइम आज नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग हॉल ऑफ फेम नहीं गए थे। तो पहले हम लोग गए से पैलेस। ये देखिए हम लोग से पैलेस पहुँच गए हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम लोग जाएंगे ऊपर। यहाँ पे सब जगह इतना ऊपर है, आप लोग का सांस फूल जाएगा चल चल के। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप लोग ऊपर चढ़ना। और देखिए यहाँ पे है से पैलेस, ये भी बहुत रुइन हो चुका है, अभी थोड़ा थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करके वो लोग बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ का गवर्नमेंट। चढ़ते हैं ऊपर। और यहाँ पे जो ये देखिए सब जगह पर ऐसे है, पता नहीं क्या है ये। ये आई थिंक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है यहाँ ऐसे घुमाने से। और यहाँ से गाइस व्यू देखिए ऊपर से नीचे का व्यू, जो कि बहुत सुंदर है। और बहुत सारे लोग आए, देखिए व्यू बहुत सुंदर है। तो अभी थोड़ा पानी सूख गया है, सो ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन है सेब पैलेस का। सो गाइस सेब पैलेस जो है 10th सेंचुरी में बना था, जो अभी रुइन हो चुका है। और अभी गाइस ये जो है पहले से जो विलेज है वो अपर लद्दाख का वो कैपिटल था, बट अब नहीं है। ये जो अभी का जो से पैलेस है गाइस, वो 1655 में इंस्ट्रक्शन ऑफ देलदान नामग्याल, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से बनाया गया था। और जो वो उनकी मेमोरी, उनके फादर की मेमोरी जो है सेंगे नामग्याल, उन्हीं के लिए बनाए थे। तो ये है अभी का जो है से पैलेस। और ये देखिए, और हम लोग अपर जो पार्ट है वहीं पे जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक मंदिर भी है छोटा सा, और एक बुद्धा का स्टैचू भी है, जो मैं अंदर जाके आप लोग को दिखाती हूँ। और ऐसे घुमाने वाला सब जगह पर है, देखिए गाइस। और ये है पूरा अपर फ्लोर। और यहाँ से भी लद्दाख का व्यू आप लोग देख सकते हैं।
और यहाँ पे देखिए एक मंदिर है यहाँ पे, ये नीचे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऊपर घुमाने के लिए है। और दूसरे जगह पर चलते हैं जहाँ पे बुद्ध का स्टेचू है। कहाँ करूँ मुझे? और गाइस देखिए यहाँ पे है उनका मंदिर, जो यहाँ लद्दाख का ये सेकंड लार्जेस्ट बुद्धा स्टेचू है गाइस। और ये स्टेचू देखिए, ये कपर का है, उसमें गोल्ड का जो है परत जो बोलते हैं वो चढ़ा गया है। और यहाँ पे डोनेशन बॉक्स है, आप लोग डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे सब कंट्री का सब कंट्री से आते हैं, और अभी कुछ कुछ कैम्बोडिया वियतनाम से भी आए हैं टूरिस्ट। और यहाँ पे है डोनेशन बॉक्स, और वो देख के हम लोग बाहर आ गए हैं। और ये स्टैचू बनने के बाद ऐसा दिखेगा। और यहाँ का जो गाइस नेता है, आई थिंक उन्हीं का एक स्टैचू बन रहा है, वो लोग हम लोग को बोले नेता है उनका, राज्य का कुछ स्टैचू बन रहा है। और वो सेह पैलेस देखने के बाद हम लोग गए अभी हेमिस मोनास्ट्री के लिए। सो गाइस सेह पैलेस से हेमिस मोनास्ट्री आई थिंक 26 किलोमीटर है, और अप्रोक्सीमेटली 26 किलोमीटर। और रास्ते में थोड़ी थोड़ी जगह पर ट्रैफिक था, अब नहीं है। और यहाँ पे देखिए सब जगह पर ऐसे वाइट वाइट टाइप का मंदिर है, यहाँ पे सब लोग आते हैं आई थिंक प्रेयर करते हैं। और हम लोग अभी पहुँच गए हैं हेमिस मोनास्ट्री। और यहाँ पे भी वो भी ऊपर है, यहाँ पे गाड़ी पार करके हम लोग जाएंगे ऊपर चढ़ने के लिए। तो बहुत सारे अभी टूरिस्ट आए हैं। और गाइस आप लोग अगर लद्दाख कर रहे हैं, पहले 2-3 डेज लद्दाख की जो मेन सिटी है लेह में घूमेंगे, घूम सकते हैं। फिर उसके बाद खरदुंगला या नुब्रा जा सकते हैं, क्योंकि एक्लिमेटाइज होने के लिए 2-3 दिन लगेगा यहाँ पे। ये बहुत अच्छा जगह है गाइस हेमिस मोनास्ट्री। हाँ? और चलते हैं ऊपर। और हम लोग थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ने के बाद थक गए हैं। यहाँ पे एक कैफ़े है जो कि अभी बंद है। आप लोग पहले से ही कुछ जो भी फूड आइटम है, ड्राई आइटम कुछ भी आप लेके गाड़ी में आ सकते हैं खाने के लिए। और बहुत सारी जगह पर यहाँ पे कैफ़े रेस्टोरेंट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। और ये हेमिस मोनास्ट्री, यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन एंड हिस्ट्री दिया हुआ है। ये लार्जेस्ट मोनास्ट्री है हेमिस मोनास्ट्री। हेमिस मोनास्ट्री लद्दाख 45 किलोमीटर की दूरी पर है, और से 26। और ये भी यहाँ का जो किंग है सेंगे नामग्याल, वो 1672 में उसको रीबिल्ड किए थे। यहाँ पे गाइस गुरु रिम्पोचे जो है उनका स्टैचू है। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, हम लोग अभी म्यूज़ियम जाएंगे। और यहाँ पे सब जगह वुडन का बना हुआ है। यह देखिए एक हेमिस म्यूज़ियम भी है यहाँ पे। सो अभी चलते हैं हेमिस म्यूज़ियम। और यहाँ पे गाइस म्यूज़ियम में लॉकर में आप लोग मोबाइल और वो सब रख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल अंदर लेना मना है। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, आप लोग नीचे नीचे चलेंगे, बहुत सारा कुछ कुछ है देखने के लिए यहाँ पे। और पुराने चीज़ें लद्दाख का जो भी यूज़ करते हैं, यूटेंसिल और बाकी सब आप देख सकते हैं। और यहाँ पे शूटिंग में नहीं कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे लॉकर में रखने के लिए बोलते हैं वो लोग। और यहाँ पे म्यूज़ियम में आप लोग इजीली हाफ एन आवर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग गए दूसरे जगह पर घूमने के लिए मोनास्ट्री का। और ये भी गाइस एक बहुत अच्छा जगह है। सो गाइस यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग अभी
लंच करने के लिए जाएंगे। तो अभी हम लोग गए हैं एक लंच करने के लिए ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे एक कैफ़े देखे जो कि अच्छा था, वहीं पे हम लोग मोमो और बिरयानी खाए और एक चीज़ केक भी खाई जो कि बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग गए थिक से मोनास्ट्री। हेमिस टू थिक से मोनास्ट्री जो है 22 किलोमीटर की दूरी पर है, और अभी यहाँ पे देखिए ये है थिक से मोनास्ट्री। सब जगह वो ऊपर ऊपर है गाइस, सब जगह आप लोग को चढ़ने के लिए पड़ेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं थिक से मोनास्ट्री के लिए, और यहाँ पे उसका इंस्ट्रक्शन कुछ देखिए जो है वो लार्जेस्ट मोनास्ट्री है ये सेंट्रल लद्दाख का, और 22 किलोमीटर है लेह से। गाइस वो यहाँ पे थिक से स्कूल भी है बच्चों को, और यहाँ पे एक होम स्टे टाइप का कुछ है, होटल टाइप के, यहाँ पे रह भी आप लोग सकते हैं। एक देखिए यहाँ पे आप लोग एक रेस्टोरेंट भी है, आप लोग खाना भी खा सकते हैं। एक स्कूल है, बहुत बड़ा मोनास्ट्री है। और यहाँ पे गाइस अभी भी कुछ लोग हैं, कलर वलर कर रहे हैं, पेंट हो रहा है सब जगह यहाँ पे। यहाँ पे भी चढ़ चढ़ के हालत पूरा ख़राब हो गया है, वो भी ये भी बहुत एक एक फ्लोर ऊपर है यहाँ पे सब जगह। और यहाँ से गाइस व्यू देखिए लद्दाख का, हम लोग ऊपर देख के आके थोड़ी देर रेस्ट किए हैं। तो गाइस यहाँ पे घूमते घूमते हम लोग को 5 बज गया, और हम लोग कहीं जाने के लिए पेशेंस नहीं था, तो हम लोग रिटर्न होटल आ गए। और हम लोग आप लोगों को मैं कल रूम टूर नहीं करवाई थी, ये है हमारा रूम, और जो मैं इस होटल पे स्वीट रूम की थी वो पहले मैं कैंसिल कर दी थी क्योंकि हम लोग को डेट एक्सटेंड हुआ था तो रूम नहीं मिला। तो ये है रूम, तो यहाँ पे एक देखिए एक बालकनी है जो बाकी सब व्यू होटल का व्यू मिल दिखता है, और यहाँ पे पीछे एक और एक बालकनी है, और ये बालकनी से व्यू अच्छा दिखता है। मगर इतना ठंड में अभी बैठ नहीं सकते, शाम के टाइम थोड़ा बैठ सकते हैं, सुबह तो बहुत ठंड रहता है, अभी बैठ सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ा धूप हो रहा है। और ये 3 जगह आज के लिए काफ़ी था देखने के लिए, और भी एक दो जगह देख सकते थे मगर नहीं देखे क्योंकि बहुत टायर्ड हो गए थे हम लोग, और थोड़ा ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर सांस फूल रहा है बहुत, और सब जगह इतना ऊपर ऊपर था तो चढ़ने के लिए भी प्रॉब्लम था। और यहाँ पे देखिए एक कबर्ड है और ये बाथरूम है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।